नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट गुरुजी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक में जो रिक्रूटमेंट चल रहे हैं उसके बारे में। तो दोस्तों इससे पहले भी मैंने बहुत सारे बैंकों के बारे में जो है ऑलरेडी जॉब कैसे लगते हैं, कैसे काम करते हैं वहाँ पर और कौन कौन से वैकेंसीज अवेलेबल हैं मैंने आपको बताया है। ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कोटक महिंद्रा में जो रिक्रूटमेंट निकला है उसके बारे में, जो कि एक की अकाउंट मैनेजर है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल हम जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ से साथ इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो कोटक महिंद्रा बैंक में की अकाउंट मैनेजर है, मैं आपको बता दूं की अकाउंट मैनेजर आप इसको कह सकते हैं, एज ए सेल्स मैनेजर के तौर पे भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जो इसका काम होता है एज इट इज़ रिलेटेड ऐसे ही होता है। तो की अकाउंट मैनेजर जो जॉब इसमें अवेलेबल है, इसका सैलरी कितना रहेगा और कौन कौन से स्टेट में जो है ये जॉब अवेलेबल है, अभी रिक्रूटमेंट चल रहे हैं ये भी आपको बताया जाएगा। सैलरी की बात करें तो दोस्तों इसमें देखिए करीबन 40,000 के आसपास जो है सैलरी इसमें आपको मिल जाएंगे। और मुंबई में, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, इस एरिया पे जो है अभी रिक्वायरमेंट इसका चल रहा है। और साथ साथ जो है कोलकाता में भी कुछ दिनों के बाद जो है कोलकाता में भी रिक्वायरमेंट इसका शुरू हो जाएगा। ये डायरेक्ट कंपनी जॉब है, कोई कंसल्टेंसी के थ्रू नहीं, डायरेक्ट कंपनी में आप महिंद्रा जो बैंक है वहाँ पे जाएंगे और इंटरव्यू देंगे। यदि आप कोई भी व्यूवर्स यदि आप इस जॉब को पसंद करते हैं, आप जाना चाहते हैं वहाँ पे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जॉब लोकेशन यानी आप कहाँ पे रहते हैं वो लिखिए, और साथ ही साथ इस आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी आप लिख सकते हैं, ताकि मैं जो भी डिटेल है मैं आपको शेयर कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों यदि एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो एक्सपीरियंस चाहिए इस जॉब के लिए अप टू 10 ईयर्स तक एक्सपीरियंस चाहिए। यदि आपके पास 1-2 साल, 3 साल, 4 साल का भी एक्सपीरियंस है तो भी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों जो की अकाउंट मैनेजर है, इसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, ये भी मैं आपको थोड़ा जानकारी बता दूं। यदि आपको एक्सपीरियंस है तो हाँ, एक्सपीरियंस की बात आता है कि यदि आपका एक्सपीरियंस की अकाउंट मैनेजर पे नहीं है लेकिन किसी और पे है, लाइक कस्टमर्स सर्विस में है या कोई बैंकर रिलेटेड है या इंश्योरेंस सेलिंग रिलेटेड इसमें है, तो भी दोस्तों आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इसमें आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। डेबिट कार्ड कैसे काम करता है, क्रेडिट कार्ड में क्या क्या फैसिलिटी है, ठीक है ना। तो चाहे जो भी क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, महिंद्रा बैंक का ही ऐसा कोई मायने नहीं रखता है, जस्ट आपको इसमें नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके जो है आप इस जॉब को जो है जल्द से जल्द आप जो है जो भी नॉलेज है तो आप एक्वायर कर पाएंगे। तो दोस्तों बात आता है एज और क्वालिफिकेशन की। एज देखिए दोस्तों इसमें अप टू 37 ईयर्स तक दिया हुआ है, 37 साल के अंदर जो है अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन दोस्तों इसमें जो है आप अंडर ग्रेजुएट है लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप ग्रेजुएशन है तो भी जो है इसमें आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों ये है बात, और जॉब लोकेशन भी मैं आपको बता दिया है, ठीक है। और इस रिलेटेड यदि आपको कुछ और जानकारी जानना चाहेंगे इस जॉब के बारे में तो आप नीचे कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आने पर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।